हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी यहाँ पे नर्सरी सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने भी सार्थक का हाई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 2-3 स्कूलों में एप्लीकेशन अप्लाई किया था और वहाँ से हमें इंटरेक्शन सेशन के लिए भी बुलाया गया था। तो हम गए थे कुछ स्कूलों में इंटरेक्शन सेशन के लिए। तो हमें वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कैसा रहा हमारा इंटरेक्शन सेशन, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, मतलब बच्चे का इंटरव्यू के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, तो कैसा रहा हमारा इंटरव्यू और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, वही मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे का भी एडमिशन होने वाला है नर्सरी या केजी में, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा आइडिया मिल सकता है कि कैसा इंटरेक्शन सेशन होता है, वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं पेरेंट्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो स्कूल को इंटरव्यू लेना अलाउ ही नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन सेशन के नाम से वो एक फॉर्मल इंटरव्यू पेरेंट्स का और बच्चों का ले ही लेते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स इसे नेगलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है ड्रेस कोड ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ। क्योंकि हम स्कूल में प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो अपना ड्रेस कोड जो है कि फॉर्मल और सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा तामझाम या बहुत ब्राइट कलर वाले ड्रेस मत पहनिए। जैसे फॉर फादर फॉर्मल पैंट एंड शर्ट पहन सकते हैं, और फॉर मदर सिंपल लेगिंग्स, कुर्ती, साड़ी या फिर सलवार सूट पहन सकती हैं। और बच्चों के लिए भी अगर बॉय है तो हाफ पैंट या फुल पैंट एंड प्लेन टी शर्ट रखिए, और गर्ल के लिए भी आप टी शर्ट, पैंट या फिर फ्रॉक पहना सकते हैं, लेकिन कोई एक्सेसरीज या बहुत ज़्यादा फैशनेबल हेयर बैंड, रबर बैंड, वो सब अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने ये सुना है कि उन्हें इंटरेक्शन सेशन से बहुत नर्वसनेस फील होता है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, रीजनल लैंग्वेज आती हो, आपको हिंदी आती है, तो उसी लैंग्वेज में आप जवाब दीजिए। आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, जो भी आंसर दे कॉन्फिडेंटली आंसर दे। आपके बच्चे का एडमिशन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्योंकि वही सब आपकी वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि वही सब आप अपने बच्चे को भी पास ऑन करने वाले हैं। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, और जो भी आंसर दे कॉन्फिडेंटली आंसर दे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो भी आपको टाइम दिया गया है इंटरेक्शन सेशन का, उसके आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लाने के लिए कहा गया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से अरेंज करके लेके जाइए। जेरोक्स कॉपी एंड ओरिजिनल बोथ लेके जाइए, अच्छे से अरेंज करके एक फ़ोल्डर में डाल के लेके जाइए। ये नहीं कि एक पैकेट में सब एक साथ भर लिया, ताकि वहाँ पे जाके आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अच्छे से अरेंज करके एक फ़ोल्डर में लेके जाइए। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे और वहाँ पे कुछ फेलो पेरेंट्स से पूछे गए थे, जिनके साथ मैंने डिस्कस करके एक लिस्ट बनाई है, जो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर चाइल्ड्स नेम, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, डिस्क्राइब योर चाइल्ड इन 2 लाइन्स और टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्ड, टेल 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड, आर यू बोथ वर्किंग, इफ येस in absence of you who take care of your child, what are your expectation from our school, from where you get to know about our school, why did you choose our school, have you applied for any other school, how much time do you spend with your child at home, how do you handle your child's tantrum, what does your child do mostly at home, does he spend time with his grandparents, how much screen time do you allow to your child, is your child a fussy eater, if yes how do you manage it, what do you prefer for your child, academic or extracurricular activities, how do you inculcate sharing and moral values in your child, to whom your child is closer to, mom or father, and why, what's your child's favorite things like food, color, game, books, toys, etc, does your child follow a routine, do you read stories to your child, if yes name some, as a parent how can you provide value to our school। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको इंटरेक्टिव सेशन में पूछे जा सकते हैं। ये एक कोई फिक्स्ड या कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस से एक लिस्ट मैंने बनाया है। इसके बाहर या फिर इसके अलावा कुछ और भी पूछे जा सकते हैं। बस ये एक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इंटरेक्टिव सेशन में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।